सीएम धामी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विकास प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में मोदी सरकार की मदद से उत्तराखंड में हुए कामों को प्रदर्शित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की विकास योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने का आह्वान किया। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति की बैठक में चर्चा की गई है। इस दौरान सड़क व हाईवे निर्माण योजना, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी, सुपोषण योजना व कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में लगभग 20 बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को समन्वय बनाने को कहा गया है। आगामी बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में अन्य बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है विस्तार से। कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास होने, बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, राजनीतिक प्रस्ताव उसकी चर्चा की है, परंपरा भी यही रही है कि पदाधिकारी उनकी चर्चा होकर उसको हम कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार जो 8 साल मोदी सरकार को हो गए उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है कि उसमें आगे आने वाले कार्यक्रम किस प्रकार तैयारी करनी है, ये भी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है, ताकि और कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का आचार व्यवहार कैसा रहे इस पर भी चर्चा की है।